गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम सोल्व करेंगे रीडिंग पैसेज पुटिंग द ब्रिक्स ऑन क्लाइमेट चेंज और हाइड्रोजन कार्स द आंसर और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो हैं वन टू सिक्स है लिस्ट ऑफ हेडिंग सेवन टू टेन है नो मोर देन टू वर्ड्स एंड इलेवन टू फोर्टीन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तो हम आ, हमें ए से लेकर एफ तक पैसेज की लिस्ट ऑफ हेडिंग चूज करने हैं और हमारे पास जो लिस्ट ऑफ हेडिंग गिवन है वो नाइन है इट मीन्स थ्री ट्रैप्स हैं ठीक है तो अब देखो फर्स्ट क्या है फर्स्ट लिस्ट ऑफ एडिंग गिवन है एक्शन ऑलरेडी टेकन बाय द यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन पहले ही कोई एक्शन ले चुकी है सेकंड है मार्केटिंग द हाइड्रोजन कार हाइड्रोजन कार की मार्केटिंग के बारे में Third है थर्ड है मेकिंग द न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल वर्ल्ड वाइड जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अवेलेबल कराना ओन एंटायर वर्ल्ड मीन्स सारे देशों में ठीक है फोर्थ है सम नेगेटिव प्रोडिक्शन फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट किसी एक ग्रुप ने नेगेटिव प्रोडिक्शन की है कि ऐसा होगा मतलब कुछ भी स्टेटमेंट दी है लेकिन वो नेगेटिव सेंस में दी है फिफ्थ है हाउ द न्यू व्हीकल टेक्नोलॉजी वर्क न्यू व्हीकल टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी सिक्स है द हिस्ट्री ऑफ फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री गिवन है उसका इतिहास में क्या दे रखा है कै, कैसे आई क्या कैसे बने उसके बारे में सेवेंथ है ए होलिस्टिक व्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज होलिस्टिक व्यू मीन्स टोटल एंटायर इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ क्लाइमेट चेंज की इन्फॉर्मेशन के बारे में अपनी राय दे रखी है सबने मिलकर एट्थ है लोकेटिंग द असेंशियल इन्ग्रेडियंट्स लोकेटिन मीन सर्च करना असेंशियल ज़रूरी इन्ग्रेडियंट्स को ठीक है नाइन्थ uh, है सस्टेनिंग कार मैनुफैक्चर कार मैनुफैक्चरस को सस्टेन करना है उनको ढूंढना है ठीक है अब हम ए पैसेज से रीड करते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा ओके okay. तो देखो ए पैसेज क्या है ए है इट इज टैम्पटिंग टू थिंक दैट कंजर्वेशन ऑफ कोरल रिलीफ एंड रेन फॉरेस्ट इज अ सेपरेट इश्यू फ्रॉम ट्रैफिक एंड एयर पोल्यूशन टैम्पटिंग मीन्स होता अट्रैक्टिंग ठीक है यह है यह बहुत अट्रैक्ट करता है कि कंजर्वेशन ऑफ कोरल रिलीफ एंड रेन फॉरेस्ट एक सेपरेट इश्यू है किससे ट्रैफिक और एयर पोल्यूशन बट इट इट इज़ नॉट परंतु ऐसा नहीं है साइंटिस्ट आर नाउ कॉन्फिडेंट दैट रैपिड चेंज इन अर्थ क्लाइमेट आर ऑलरेडी डिस्टरप्टिंग डिसरप्टिंग एंड अल्ट्रिंग मैनी वर्ल्ड वाइल्ड हैबिटेड साइंटिस्ट कॉन्फिडेंट है उनको कॉन्फिडेंस uh, है किसके बारे में कि रैपिड चेंज इन अर्थ क्लाइमेट जो क्लाइमेट अर्थ uh, का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है आर ऑलरेडी डिसरप्टिंग वो पहले से ही ख़राब है मीन्स पहले से ही ज़्यादा है एंड अल्ट्रिंग हैबिटेट और वो कई वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के को अफेक्ट करता है पोल्यूशन फ्रॉम द व्हीकल इज़ ए बिग पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और जो पोल्यूशन निकल रहा है किसे व्हीकल से ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो ए पैसेज के अंदर तो ऑलमोस्ट छोटा सा पैसेज है इसलिए ऑलमोस्ट सारा ही हो जाएगा जैसे लास्ट की दो लाइनों से आंसर है और इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा सेवेंथ ठीक है और सेवेंथ क्या ये है सेवेंथ है हमारे पास ए होलिस्टिक व्यू ऑफ चेंज क्लाइमेट यानी कि जो साइंटिस्ट कॉन्फिडेंट हो चुके हैं उसके बारे में ठीक है और सभी के सभी जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है अर्थ का उसे एग्री करते हैं और इसी और व्हीकल से प्रॉब्लम बढ़ रही है तो ये इसका ऑप्शन बनता है हमारे पास ए का सेवेंथ ठीक है क्या का क्या बनेगा सेवेंथ अब बी पैसेज रीड करते हैं बी है हमारे पास द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज पैनल हैज एस्टिमेट दैट ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज एक्सपेक्टेड बाय द ईयर ट्वेंटी वन हंड्रेड कुड बी एज मच एज सिक्स डिग्री यूनाइटेड स्टेट के एक पैनल ने क्या एस्टिमेट किया है कि ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है ट्वेंटी वन हंड्रेड ईयर्स के अंदर सिक्स डिग्री मैक्सिमम बढ़ सकता है कोजिंग द फॉरेस्ट फायर एंड डाई बैक ऑन लैंड एंड कोरल ब्लीचिंग इन द ओशन और किसको अफेक्ट करेगा फॉरेस्ट फायरस को एंड डाई बैक ऑफ लैंड लैंड के ऊपर जो भी रह रहे हैं उनको और कोरल ब्लीचिंग इन ओशन समुंदर के अंदर जो रह रहे हैं कोरल रिलीफ उनको मीन्स ये क्या एक एस्टिमेट uh, है एक पैनल की मीन्स कुछ लोगों ने उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। फ्यू स्पीसीज इफ एनी विल इम्यून फ्रॉम द चेंज इन टेम्परेचर रेनफॉल एंड सी लेवल द पैनल बिलीव दैट इफ़ कैटोलोस्टिक टेम्परेचर राइजेज टू बी अवॉइडेड, द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन हाउस स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड बीन रिलीज इन टू द एटमोसफेयर मस्ट बी रिड्यूस्ड अगर इससे बचना है तो उसके लिए क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं एटमोसफियर को उसमें को कम करना होगा तो ये इसमें तो फर्स्ट इन्हीं में आंसर है हमारा देखो पहले चार लाइनों में ही इसका आंसर है और इसका आंसर क्या है इसका आंसर हमारे पास फोर्थ तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास क्या दे रखी है फोर्थ स्टेटमेंट देखो सम नेगेटिव प्रोडिक्शन फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट तो यूनाइटेड स्टेट का एक पैनल था वो एक ग्रुप था तो इसका आंसर क्या बन जाएगा फोर्थ बी का क्या होगा हमारे पास ठीक है अब सी पैसेज रीड करते हैं सी के अंदर देखो लिस्ट ऑफ एडिंग या तो फर्स्ट टू लाइन में होते हैं या लास्ट टू लाइन में रेयरली ही वो मिड में मिलते हैं हमें अगर फर्स्ट टू लाइन लास्ट टू लाइन में ना मिले तो मिड में सर्च करेंगे तो देखो सी के अंदर क्या है टेक्नोलॉजिकल डू एग्जिस्ट टू रिड्यूस और एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर एनर्जी कंजम्पशन टेक्नोलॉजी क्या है जो एग्जिस्ट करते हैं किसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना उसको ख़त्म करना फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट से ठीक है अगर हम उसको कंज्यूम कर लेंगे तो ऐसी टेक्नोलॉजी की वजह से उसको हम खत्म कर सकते हैं विंड पावर एंड सोलर पावर आर बोथ स्प्रेडिंग फास्ट बट वट वी आर डूइंग अबाउट ट्रैफिक विंड पावर सोलर पावर तो स्प्रेड हो रही हैं चारों तरफ लेकिन हम ट्रैफिक के बारे में कुछ नहीं कर रहे इलेक्ट्रिक कार्स आर वन पॉसिबल ऑप्शन इसका ऑप्शन क्या है इलेक्ट्रिक कार्स बट देयर रेंज एंड द टाइम टू टेक द चार्ज देर बैटरी पोस्ट सीरियस लिमिटेशन लेकिन उन इलेक्ट्रिक कार की डिसवान्टेज uh, क्या है एक तो उनको की बैटरी को चार्ज करना दूसरा उसकी रेंज कि कहाँ तक वो कितनी कॉस्टली हैं क्या कहाँ तक वो जा सकते हैं उनकी स्पीड क्या रहेगी ये सारे हाउ एवर मोस्टली हाउ एवर के बाद आंसर होता है ठीक है ये याद रखना हाउ एवर येट ऑल दो इनके बाद बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं चीज़ें इसलिए मोस्टली आंसर इनके बाद मिलता है हाउ एवर द टेक्नोलॉजी दैट शोज़ द मोस्ट पोटेंशियल टू मेक कार क्लाइमेट फ्रेंडली फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी लेकिन हावर जबकि जो टेक्नोलॉजी मोस्ट क्लाइमेट फ्रेंडली है उसका नाम क्या है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी दिस वाज एक्चुअली इन्वेंटेड इन द लेट नाइन्टीन सेंचुरी इसको कहा इन्वेंट किया गया था लेट नाइन्टीन सेंचुरी में बट बिकॉज ऑफ़ द वर्ल्ड मोटर इंडस्ट्री पुट इट्स अफॉल्ट फॉर डेवलपिंग दंजप्शन इंजन इट वॉज नेवर रिफाइंड द मास प्रोडक्शन लेकिन जो वर्ल्ड की मोटर इंडस्ट्री थी उसने ज़्यादा अफॉल्ट किसको किए कम्बस्चन इंजन को बनाने में किसकी बजाय कि वो इलेक्ट्रिक जो कार्स थी ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी थी उसके ऊपर ध्यान ना दे किस पे दिया उन्होंने मास प्रोडक्शन नहीं की उनकी और किस पे ध्यान ध्यान दिया कंबस्चन इंजन बनाने में वन ऑफ द फर्स्ट प्रोटोटाइप फ्यूल सेल पावर्ड वहीकल है फोल्ड मोटर कंपनी जो पहला ऐसा प्रोडक्ट था जो इलेक्ट्रिक था वो किसने बनाया फोल्ड मोटर ने इट इज लाइक ए कन्वेंशनल कार ओनली विथ बैटरीज एक्सलेशन एंड ए स्मूथ राइड इसमें केवल एक बैटरी लगी हुई है और जो एक्सलरेट करती है और उससे स्मूथ राइड मिलती है फोल्ड इंजीनियर एक्सपेक्ट टू बी एबल टू प्रोड्यूस ए वर्चुअली साइलेंट व्हीकल इन द फ्यूचर और फोल्ड इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में कैसा बनाएंगे एक साइलेंट व्हीकल बनाएंगे तो इसका ऑप्शन इसको पहले मैं अंडरलाइन कर देती हूँ और सिक्स ऑप्शन क्या है हमारा देख लेते हैं देखो सिक्स क्या है द हिस्ट्री ऑफ फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी फ्यूल सेल क्यों ये आंसर क्यों बनेगा क्योंकि इस फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को कैसे किसने इन्वेंट किया पहले फोल्ड मोटर ने और आगे उसके बारे में क्या वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सारी सारी हिस्ट्री गिवन है ना फ्यूचर प्लान भी गिवन और हिस्ट्री भी गिवन है ठीक है तो ये सिक्स जो है इसका आंसर हो जाएगा सी पैसेज का ओके okay. उसके बाद डी पैसेज में मैंने सिंपल नंबर्स में लिखे ऑप्शन आप रोमन नंबर्स में लिख लेना ओके okay? डी क्या है सो व्हाट द प्रोसेस इन्वॉल्व आर देर इज ए कैच हाइड्रोजन गोज इन टू द फ्यूल टैंक प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी अगर हाइड्रोजन टैंक में जाता है क्या okay, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी द ओनली एमीशन फ्राम एग्जोस्ट पाइप इज वाटर और जो एमीशन होता है एग्जोस्ट पाइप से वो क्या होता है वाटर का होता है फ्यूल सेल इज़ इन सम वे सिमिलर टू बैटरी बट अनलाइक ए बैटरी इट डो डज नॉट रन डाउन जो फ्यूल सेल है वो बैटरी की तरह ही होता है लेकिन एक बैटरी की तरह वो क्या होता है ख़त्म नहीं होता जैसे बैटरी चार्ज करो तब तक, तक चलती है चार्जिंग खत्म हो जाते हैं दोबारा चार्ज करना पड़ता है तो ऐसे फ्यूल सेल खत्म नहीं होता एज एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू सेल इट विल कीप ऑन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करते रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा ठीक है तो इसका ऑप्शन क्या बनता है देखते हैं। इसका ऑप्शन है हाउ द न्यू व्हीकल टेक्नोलॉजी वर्क ठीक है क्योंकि इसमें गिवन है ना कि हाइड्रोजन सप्लाई करने से हमारे पास इसका ऑप्शन है फिफ्थ वो कैसे काम करेगा ठीक है न्यू टेक्नोलॉजी है फ्यूल सेल की ओके okay, तो फिफ्थ ऑप्शन बन जाएगा इसका अब हमारे आता है ई e पैसेस चलो मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ डी का स्टार्टिंग की चार लाइनों में इसका आंसर है यहाँ से इसका आंसर कौन सा हमारे पास फिफ्थ ओके okay. अब ई पैसेज ई पैसेज क्या है वन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर सोर्स का एक हाइड्रोजन क्या है हाइड्रोजन uh, का एक सोर्स क्या है वाटर है बट टू एक्सप्लोय द अबंडेंट रिसोर्सेज अबंडेंट रिसोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड लेकिन उसे ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी एंड इफ़ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय कोल फायर्ड पावर स्टेशन और अदर फ़ॉसिल फ्यूल्स अगर इलेक्ट्रिसिटी कोल फायर से मीन्स कोयला कोयले से हम जनरेट कर रहे हैं या अदर फ़ॉसिल फ्यूल्स से जनरेट करते हैं देन ओवरऑल कार्बन रिड्यूस बेनिफिट ऑफ फ्यूल सेल डिस तो कार्बन रिडक्शन का जो बेनिफिट फ्यूल सेल से मिल रहा था वो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज विंड एंड सोलर पावर डू नॉट प्रोड्यूस इनफ एनर्जी सो फॉर इट टू बी इकोनॉमिकल वाइबल टू यूज द मैनुफेक्चर ऑफ हाइड्रोजन एज ए ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स रिन्यूएबल जो सोर्स होते हैं और सोलर वो इतने इनफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते और ये इकोनॉमिकल वाइबल टू यूज़ दैम टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन एज ए ट्रांसपोर्ट फ्यूल और उनको क्या करना पड़ेगा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो मैन्युफैक्चर को हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा मीन्स फ्यूल से बनानी पड़ेगी ठीक है आ, तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो रहा है देखते हैं कौन सा बनेगा इसका तो हाइड्रोजन बनाने के लिए हम कौन इसमें से देखो फर्स्ट नहीं है सेकंड नहीं है तो इसका है एर्थ लोकेटिंग द असेंशियल इन्ग्रीडियंट इन तो इन्ग्रेडियंट हमारा हाइड्रोजन है उसको कैसे हम लोकेट कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा इसका बन जाएगा एट्थ तो किसका है फिफ्थ का ओके okay. तो इसमें हम अंडरलाइन uh, कर देते हैं अंडरलाइन देखो फर्स्ट फोर लाइनों में आंसर है इसका ऑप्शन के बन जाएगा एयर अब हमारे पास है और देखो इसमें है ना लास्ट में भी गिवन है लास्ट में क्या है हमारे पास लास्ट थर्ड लाइन से वन वे राउंड द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू तो डू विद कार्बन डाइऑक्साइड कुड बी स्टोर एंड इट बैक बिलो द ग्राउंड कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है बिलो द ग्राउंड सो कोल्ड जियो जियोलॉजिकल सिक्वेंस ऑयल कंपनी सच एज नॉर्वे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड विथ बिलो ग्राउंड इन ऑयल एंड गैस क्या कर रहे हैं वो एक लोकेशन सर्च कर रहे हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जा सकता है और वो धरती के अंदर पृथ्वी के अंदर ताकि कार्बन डाइऑक्सा जो हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट है वो कम हो सके तो इसमें है लास्ट की लाइनों में भी आंसर मैच कर रहा है ठीक है तो फर्स्ट में भी इससे भी हो सकता है और लास्ट से भी अब एफ पैसेज देखो क्या है विद विद फ्रीक वेदर कंडीशन आर आर्ग्यूएबली कोज बाय ग्लोबल वॉर्मिंग फ्रिक्वेंटली इन द हेडलाइन दैट अर्जेंट नीड टू गेट फ्यूल सेल व्हीकल विल बी अवेलेबल इन मोस्ट शो मोस्ट शोरूम एंड इवन नाउ फ्यूल सेल इज ऑपरेटिंग इन यूएस वाइल इन जर्मनी एक कोरियर कंपनी प्लानिंग टू टेक डिलीवरी फ्यूल सेल पावर्ड वैन इन नियर फ्यूचर ठीक है तो नियर फ्यूचर में यू में भी है जर्मनी में भी है वहाँ पर एस्टैब्लिश कर रखी है वो कंपनी ठीक है फ्यूल सेल को अप्लाई कर अवेलेबल कराने के लिए तो इसका तो वर्ल्ड वाइड वाला ऑप्शन बन जाएगा ठीक है तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा देखो। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा मेकिंग द न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल वर्ल्ड वाइड न्यू टेक्नोलॉजी को अवेलेबल कराना कहाँ पर वर्ल्ड वाइड ये थे हमारे लिस्ट ऑफ हेडिंग ओके नेक्स्ट करते हैं हम ये इसका इस आंसर क्या हुआ थर्ड अब है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स देखो क्या है इन द लेट नाइन्टीन सेंचुरी कार इंडस्ट्री इन्वेस्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ रादर देन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी ये तो हमने अभी रीड किया था कि नाइनटीन सेंचुरी में कार इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट किसकी कर रहे थे वो किसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे वो तो कम्बस्चन ही इंजन पे कर रहे थे किसकी कम बजाय फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी तो इसका सेवेंथ का आंसर तो हमें पता है क्या आएगा कम्बस्चन इंजन नेक्स्ट है अभी मैं उसको ऊपर टिक कर दूंगी ठीक है फोल्ड इंजीनियर प्रिडिक्ट दैट दे विल इवेंचुअली डिजाइन एन ऑलमोस्ट ब्लैंक कार फोल्ड इंजीनियर ने क्या प्रिडिक्ट किया था कि वो कार बना देंगे को, कौन सी होगी साइलेंट इंजन कार जो साइलेंट कार होंगी ऑलमोस्ट साइलेंट होंगी ठीक है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साइलेंट नाइन्थ है वैल ए फ्यूल सेल लास्ट लोंगर सम एस्पेक्ट ऑफ इट comparable टू फ्यूल सेल को लंबा चलाने के लिए वो क्या किससे कंपेयर कर रहे थे बैटरी से कंपेयर कर रहे थे ना अभी हमने रीड किया था तो इसमें आंसर आ जाएगा बैटरी uh, अच्छा टेंथ क्या है फ्यूल सेल कैन कम इन मैनी साइज एंड कैन बी यूज इन पावर स्टेशन in इन ब्लैंक एज वेल एज इन व्हीकल ये अभी हमने रीड नहीं किया ऊपर के तीन किए थे तीन के आंसर तो मैंने आपको बता दिया टेंथ हम रीड करते हैं कहाँ पे और मैं आपको लोकेशन भी बता देती हूँ सेवन्थ और एट्थ और नाइन्थ की कौन सी है ठीक है तो देखो सी पैसेज में चलते हैं सी में हमने कंजप्शन इंजन पढ़ा था ठीक है कंबस्शन इंजन ये तो हमारा बन जाएगा किसका आंसर सेवेंथ का, का। ठीक है उसके बाद साइलेंट वहीकल पढ़ा था हमने साइलेंट वहीकल तो साइलेंट हमारा किसका आंसर बन जाएगा एट्थ क्वेश्चन का साइलेंट किसका होगा एट्थ का ओके okay. उसके बाद नाइन्थ में बैटरी बैटरी वाला हमारा है नाइन्थ क्वेश्चन और आ लाइक बैटरी ये हमारा ये होगा नाइन्थ और अब टेंथ हम रीड करते हैं ठीक है टेंथ के लिए देखिए क्या है इसी में आगे रीड करते जब नाइन्थ हमें डी में मिला तो टेंथ भी ऑलमोस्ट डी में मिलना चाहिए देखो एज लोंग एज थर्ड लाइन से मैं रीड कर रही हूँ एज लॉन्ग एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सप्लाई टू द सेल इट विल कीप ऑन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करते रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी सम सेल्स वर्क ऑफ मिथेन एंड ए फ्यू यूज लिक्विड फ्यूल सच एज मिथेनॉल बट फ्यूल सेल यूजिंग हाइड्रोजन प्रोबेबली हैव मोस्ट पोटेंशियल कुछ क्या यूज़ कर रहे हैं कुछ मीथेन का यूज़ कर रहे हैं कुछ लिक्विड जैसे मिथेनोल का मिथेनोल का यूज़ कर रहे हैं ठीक है लेकिन फ्यूल सेल में किसका यूज़ होता है हाइड्रोजन का फर्दर मोर दे नीड टू बी लिमिटेड ट्रांसपोर्ट उन्हें लिमिटेड ट्रांसपोर्ट uh, की ज़रूरत नहीं है फ्यूल सेल कैन बी मेड ह्यूज रेंज ऑफ साइज़ स्मॉल इनफ फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर और लार्ज इनफ फॉर पावर स्टेशन किसकी ज़रूरत होगी पोर्टेबल कंप्यूटर की तो यहाँ पर हमारा टेंथ का आंसर क्या बनेगा पोर्टेबल कंप्यूटर्स ये हमारा टेंथ का आंसर बन जाएगा ओके देखो आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर सेवन फोर और ऑप्शन लगा रखे हैं ठीक है तो मैं इन ऑप्शन को रोमन में कर दूँ तो ये सेवेंथ रोमन में होगा वी आई आई ठीक है ये होगा आई वी ऑप्शन ये होगा वी आई ये बन जाएगा इसमें क्यों नहीं लिखा जा रहा चलो कोई नहीं थोड़ा ऊपर करके हैं वी एर्थ ने वी आई 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 ट्रिपल वी आई ये बनेगा ठीक है ये हमारे लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऑप्शंस थे ठीक है? अब फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए हमारे पास अब हमें क्या सर्च करना है अब हमें ट्रू यस नोट नाट गिवन ये देखना ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ठीक है तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के अंदर जो इलेवेंथ क्वेश्चन है वो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फोसिल फ्यूल्स टू एक्सेस सोर्स ऑफ हाइड्रोजन में इंक्रीज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द फ्यूल सेल यानी कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा किसके ऊपर फ्यूल सेल्स के ऊपर किसको फोर्सिल फ्यूल्स uh, को बर्न करके यानी यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं और उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं तो ये, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट होगा बल्कि जल किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो पॉजिटिव नहीं वो क्या होगा नेगेटिव इफेक्ट होगा तो इसका आंसर क्या बन जाएगा फोल्स ओके okay? क्योंकि हमने ऑलमोस्ट पूरा पैसेज रीड किया है वैसे मैं इसका बता भी देती हूँ वहाँ पे गिवन है तो देखो ई की लास्ट लाइन में क्या है ओयल इलेवेंथ है ना ओयल कंपनी सच सच नॉर्वे आर एक्सपेरिमेंट विथ स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड बिलो द ग्राउंड इन द इसी में ऊपर इसमें दे रखा ना वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ऊपर है वन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर बट टू एक्सप्लोय द अबंडेंट रिसोर्स इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड इफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूसड बाय कोरल कोल फायर पावर स्टेशन एंड अदर फ्यूल देन ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड बेनिफिट ऑफ फ्यूल सेल डिसअपियर तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ठीक है तो आ, ये जो इसका आंसर है इस लाइन में है ठीक है और ये हमारे पास इलेवेंथ क्वेश्चन है ओके तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया वो उसका आंसर क्या होगा फ़ॉल्स। अब हमारे पास इलेवेंथ के बाद ट्वेल्थ क्वेश्चन है देखो क्या है ऑयल कंपनी स्टेशन इन नॉर्वे ओनर गैस एज गैस वेल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अभी हमने रीड किया था कि नॉर्वे कंपनी क्या कर रही ट्राई कर रही है लेकिन कहीं ट्राई कर रही है क्या आ, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सके कहाँ पर नीचे पर अर्थ के अंदर लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा गिवन है ही नहीं कि ऑयल कंपनी के अदर पार्ट्स हैं तो कहाँ पर वर्ल्ड के अंदर तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बन जाएगा नोट गिवन ओके थर्ड थर्टीन देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज लीडिंग द वे इन द एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या लीडिंग वे है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना करेंगे तो देखो यूके के अंदर नहीं सॉरी यूएस के अंदर जर्मनी के अंदर वो चीज़ तो यूज़ कर रहे थे ना वहाँ पे तो इसका आंसर तो हमें कहाँ मिलेगा एफ़ पैसेज के अंदर अभी हमने ये किया था ना तो एफ़ की लास्ट लाइन में देखो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी फॉर्म आर लॉजिकल प्लेस टू स्टार्ट सिंस द व्हीकल आर ऑपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल डिपोर्ट्स दिपो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो डिलीवरी फॉर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं इन व्हीकल्स को स्टार्ट करने जब ये स्टार्ट होंगे तो ऑपरेट करेंगे सेंट्रल डिपोर्ट से तो इसका आंसर क्या बन जाएगा ट्रू ठीक है ये हमारे पास थर्टीन क्वेश्चन है ओके okay. तो थर्टीन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीडिंग वे है ना किसी एप्लीकेशन को फोसिल कार्स को यूज़ करने ऊपर का पैसेज मैं पहले पढ़ चुकी हूँ इसलिए मैंने पूरा नहीं पढ़ा ठीक है स्टार्टिंग से भी रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने जस्ट लोकेशन दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अब है फोटीन क्वेश्चन फोर्टीन क्वेश्चन हमारे पास क्या है मोर फंडिंग इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट सक्सेस ऑफ फ्यूल सेल व्हीकल इंडस्ट्री अगर ज़्यादा पैसे होंगे फंडिंग ज़्यादा होगी तो जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो सक्सेस सक्सेस मिलेगी उसे ठीक है उनकी शो जो सक्सेस है वो श्योर हो जाएगी अगर उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो. तो देखो जी पैसेज में इसका आंसर है क्योंकि मुझे एक आंसर दिखा है क्या इन्वेस्टमेंट तो जी पैसेज में क्या है लास्ट लाइन में देखो बट के बाद फर्दर इन्वेस्टमेंट इज नीडेड इफ इंडस्ट्री द वर्ल्ड वाइड टू हैव ए लॉन्ग फ्यूचर लॉन्ग टर्म फ्यूचर होगा तो उसके लिए क्या होगी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी तो यह आंसर भी हमारा क्या बन जाएगा ट्रू ठीक है ये जो लाइन है इसके अंदर हमारा फोर्टीन क्वेश्चन है ओके okay. तो लास्ट का आंसर भी हमारा क्या रहेगा ट्रू ओके okay. ये था हमारा होल पैसेज जो हमने सोल्व किया फोर्टीन क्वेश्चन थे जिसके अंदर और ये थर्ड पैसेज है किसी रीडिंग का ओके okay. आप इसको अच्छे से कर लेना फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव ए नाइस डे गुड नाइट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल